हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दूसरा बॉलॉक में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए कि मैं किस बारे में, किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली हर इंसान है ना बहुत लिखाई पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करोगी तो कुछ भी आप कर सकते हैं, आपका नॉलेज ज़्यादा होगा, आप दूसरे से आप किसी बात में आपको उन लोग साथ टक्कर दे सकते हो। पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। मेरे रियल लाइफ के बारे में डिस्कस करता हूँ। मम्मी पापा ने बोला पढ़ाई करो, हम लोग पढ़ाई नहीं किया, सबसे गलती किया। दैट टाइम सिचुएशन भी थोड़ा पुअरनेस था, बट क्या करेगा। फिर हम लोग सोचा बाहर में चलो काम करने चलते हैं, तो काम करना इधर बहुत मुसीबत हो गया। चलो जो भी चीज़ है, क्या बताएं आप लोग को अपना ज़िंदगी के बारे में, ऐसे ही चलता है इधर। पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई करिएगा तो हर चीज़, हर सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपका चलने का, आपका लाइफ स्टाइल्स, आपका जो भी चीज़, एवरीथिंग इज आप लोग को चेंज होता रहता है। दूसरे से आप देखते हैं, सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। एक ही आपका आपका जो एबिलिटी होगा, जो एडिक्शन एबिलिटी होगा, उसमें जाकर आप सीख सकते हैं। आज दुनिया में सब चीज, बड़ा बड़ा जो इंसान है ना, सब लोग ने पढ़ाई लिखाई किया, ऐसे नहीं है लल्लू लाल। फोकस बहुत जगह में एक्सपेंस किया, हर स्टेज में। अभी हर जगह में जाइएगा, पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी ही मिलेगा। पढ़ाई लिखाई करिएगा तो अच्छा आपको जॉब मिलेगा, नौकरी मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म में, उसका जो अच्छा प्लेटफॉर्म में आप लोग सब चीज़ जॉब में मिल सकते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करिएगा क्या करेगा, घर में रहिएगा, बाहर में आइएगा, लेबर काम करिएगा, हम लोग जैसे फायदा नहीं। 10 घंटा 12 घंटा आप लोगों को पूरा चूस लेगा, सैलरी कुछ मिलेगा, थोड़ा सा कुछ मिलेगा, लेकिन जो लिखाई पढ़ाई करते हैं, लिखाई पढ़ाई किया उन्हें बड़ा बड़ा डिग्री हासिल कर बैठे, स्किल हासिल कर बैठे, डिग्री के साथ स्किल भी होना बहुत ज़रूरी है, तो हासिल करके बैठे तो उन्होंने अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, शॉर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत सा पैसा ले रहे हैं। ऐसे हर इंसान, पढ़ाई लिखाई किया हुआ इंसान आप देखेगा, बड़ा बड़ा देखिएगा, गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई देखिए कितना बड़ा वो है, हमारा कोलकाता का खड़गपुर ITIT कॉलेज से पास किया, और आज इतना बड़ा वर्ल्ड का जो गूगल जो इंजन है उसमें वो लोग काम करते हैं। ये क्या, आपका हर इंसान, पढ़ाई लिखा किया हुआ इंसान इसमें आपको मिलता है, बहुत मेहनत किया, ये चीज है। पढ़ाई लिखा करना बहुत, हम लोग गांव में था, तो एक सिटी में था, गांव में था, तो उस टाइम हम लोग का विलेज में ना, मैं रियल बात कर रहा हूँ, कभी कभी मैं उस में जो मेरा जो विलेज में जाऊंगा तो उन लोग के साथ में आप लोग को वीडियो बनाऊंगा, आप लोग को दिखाऊंगा कि हमारा का जो विलेज है, गांव था, गांव में आपको
इंटर पास किया हुआ आदमी डेट टाइम उस जमाने में बहुत कम था, गांव में 3-4-5 ऐसे था। तो वो लोग को हर चीज़ में सोसाइटी में जब मीटिंग या कुछ भी होता था ना, तो वो लोग का नोट बनाने या लिखा पढ़ा करने के लिए या नाम लिखने के लिए वो लोग पास बुलाता था। वो भी हिंदी हिंदी में लिखने के लिए वो लोग को बुलाता था, नॉट फॉर इंग्लिश। बट अभी एवरीवेयर इज द अवेलेबल है इन द वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड में आपको हर इंसान पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई मिलता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। आप पढ़िए, जितना पढ़िएगा आपका कमिंग जनरेशन भी उतना ही पढ़ने का वो लोग को एबिलिटी मिलता है, बैकअप मिलता है। जैसे मैं पढ़ाई लिखाई किया, सपोज के लिए मैं पढ़ाई लिखाई किया, मेरा बेटे को भी हम लोग फोर्स करेंगे पढ़ाई लिखाई है चीज़ क्या है, क्या चीज़ है। मेरे से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करेगा मेरा डॉटर, फिर वो लोग भी पढ़ाई लिखाई का मीनिंग क्या है, पढ़ाई क्या है, क्या उसमें क्या मीनिंग है, इसका क्या एडवांटेज है, लोग समझेंगे। फिर आगे वाला जनरेशन को भी उनका जो बच्चा लोग है वो लोग को भी आगे बढ़ाएंगे। अभी का पहले का जमाना और अभी का जमाना बहुत अंतर हो गया। पहले पढ़ाई लिखाई नहीं करने से भी चलता था, अभी पढ़ाई लिखाई नहीं करिएगा किधर भी आपको जॉब मिलेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते, अंधा है, आँख से देख रहे हैं बट अंधा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी पहले लैंडलाइन से ही फ़ोन करते थे, अभी ऐसे नहीं, डायरेक्ट फेस टू फेस दे रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, लाइव देख पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अभी इधर से हूँ, अभी मैं कोलकाता में फ़ोन कर रहा हूँ, हाँ अभी मेरा जो फैमिली है लाइव देख रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरा फैमिली लाइव देख रहा है कैसा है ऐसा नहीं। पहले क्या चिट्ठी लेटर जाता था, लेटर जाता था, बहुत दिन लगता था पोस्ट ऑफिस, ये सब तो आप लोग को मालूम होगा। उसके बाद इंटरनेट का, अभी का इंटरनेट का जमाना है, पहले छोटा मोबाइल से आता था, ओनली नंबर दबाओ कॉल करो, अभी ऐसा नहीं है, हर चीज एवरीथिंग्स आपका हाथ में है, आपका हाथ में है। आप फोन चलाने में आना चाहिए, आपको मैसेज करना चाहिए, टाइपिस्ट होना चाहिए, सीखना चाहिए, नहीं तो कैसे बोलेगा, कैसे लिखेगा। कोई कुछ आर्टिकल भेजेगा तो आपको, व्हाट्सएप आर्टिकल भेजेगा तो कैसे पढ़िएगा। पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हर स्टेप में आपका पढ़ाई लिखाई होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा आउट ऑफ कंट्री में आ नहीं सकते, आउट ऑफ कंट्री में जब जॉब करने जाइएगा ना, हमारा जैसे हम लोग जैसे आप आउट ऑफ कंट्री में जॉब करने जाइएगा तो हर कंट्री का आदमी आपको मिलेगा विदेश में, इंडिया नहीं मिलेगा बट आउट ऑफ कंट्री में हर कंट्री का इधर आदमी मिलता है। बट वो लोग सब आपको लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा, इंग्लिश सीखना भी बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना भी इस तरह से बहुत ज़रूरी है, आपको सीखता रहना बहुत ज़रूरी है। बस इस ऐसे है, हर चीज़ में जाइएगा ना ठोकर खाइए तो रहिएगा। जैसे हम लोग बाहर में काम करते हैं ना, बाहर में काम करते हैं, हर इंसान वर्ल्ड का आदमी लोग रहते हैं, कतारी रहता है, कतार का आदमी लग रहा है, सऊदी का आदमी लग रहता है, उसको आता है बहराइन का आदमी लग रहता है, पाकिस्तानी रहता है, श्रीलंकन रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, नेपाली रहते हैं, फिलीपिन रहते हैं, यू कैन नॉट, वो लोग नहीं बोलते हैं, हमारा जो भाषा है वो लोग नहीं बोलते कैसे बोलेगा, उनका लैंग्वेज नहीं है ना ये। तो इंग्लिश सीखना, इंग्लिश जानना, थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसे नाइजीरियन पीपल है,
उसके बाद आपको बहुत सा कंट्री आउट ऑफ कंट्री का जो आदमी लोग वो लोग से भी हम लोग इधर मिलजुल के काम किया है। ऐसे है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करने से आपको बहुत सा आपको फैसिलिटी भी मिलेगा, बाहर में काम करने का सुविधा मिलेगा, आपका फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलेगा। बट है लेबर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस वो लोग का डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस यही चीज़ है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलकर मुलाकात।